हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सलोनी मलिक। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो हम लोगों को ये बहुत परेशानी होती है जब हमें आर्टिकल्स को अपने किसी रेफरेंस मैनेजर में सेव करना होता है। सो आज का हमारा टॉपिक यही है कि आप अपने पबमेड आर्टिकल्स को रेफरेंस मैनेजर में सेव कैसे कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे पबमेड आर्टिकल्स को जोटेरो में सेव कैसे करते हैं। दो मैक्सिमम यूज़ होने वाले जो रेफरेंस मैनेजर हैं उनमें से एक जोटेरो है, दूसरा मेंडले है। सो सबसे पहले हम मेंडले चेक करेंगे कि मेंडले में हम कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी मेश टर्म डालेंगे, उसके बाद इसके रिजल्ट जैसे कि पहले से ही आ रखे हैं, 57 रिजल्ट इसमें शो हो रहे हैं। आप सिन टू के ऑप्शन में जाएंगे, लास्ट में करेंगे साइटेशन मैनेजर। साइटेशन मैनेजर में आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, ऑल रिजल्ट्स ऑन दिस पेज, ऑल रिजल्ट्स और सिलेक्शन। तो आप ऑल रिजल्ट कर सकते हैं, उसमें आपके टोटल 57 रिजल्ट जो है वो सेव हो जाएंगे। तो आप यहाँ से क्रिएट फाइल करेंगे तो आपके सारे के सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पर सेव हो चुके हैं। नाउ यू कैन गो टू जोटेरो। जोटेरो में जाएंगे आप, यहाँ से फिर फाइल में जाकर आप इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे और आपने जो फोल्डर बनाया था आप उसको ओपन करेंगे। नाउ नेक्स्ट, देन इट टेक्स टाइम, मे बी 1 मिनट और सम 30 सेकेंड्स। तो ये आपका इम्पोर्ट हो रहे हैं, आई थिंक 10 सेकेंड्स भी नहीं लिए इसे, 10 सेकेंड्स लिए और ये फिनिश। तो आपके देखिए, यू कैन सी 57 आइटम्स वहाँ थे, 57 के 7 पेपर्स यहाँ पे आपके जितने हैं वो स्टोर हो चुके हैं ऑटोमेटिक। सो आई थिंक कि अभी आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।